माँ, हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, गिफ्ट नहीं खाली हाथ, हम्म? खाली हाथ मतलब ऐसे कैसे रे? अपने ऐसे समझाए तुम? गिफ्ट लाए हैं हम? तो लाओ, लीजिए संतु जी। संतु जी आपके लिए लेकर आए, खोलिए खोलिए, देखिए देखिए क्या है, क्या है सरप्राइज? संतु जी हमको नहीं लगता है ना कि इससे बेहतर भेंट भी हो सकता है। इससे अच्छा गिफ्ट कोई और हो ही नहीं सकता। वाओ चीते वाओ, क्या गिफ्ट दिया है, सेफ्टी फर्स्ट। चीते आई एम प्राउड ऑफ यू, मतलब मैडम सर के मैसेज ने एकदम बवाल कर दिया है, बेहतरीन बढ़िया मैसेज दिया है, हम सबको ये खरीदना चाहिए, हम सब खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं बिल्ले, खरीद रहे हैं लोग, लाइन लगी हुई है गैस पाइप की दुकानों पे। मैडम सर की बात सभी को समझ में आ गई है कि हमें गैस पाइप की एक्सपायरी डेट चेक करते रहना चाहिए और एक्सपायरी होती उसे बदल देना चाहिए। अरे आग लगा दी मैडम सर के मैसेज ने। ए पांचवी फेल, आग नहीं लगानी, आग से बचाना है, दिवाली है। वैसे हर कोई संतु की तरह खुशनसीब थोड़ी ना होता है, यहाँ हमें देखो, हम ही अपने लिए तोहफे खरीदते रहते हैं। क्या बात है पुष्पा जी, बहू का इतना परवाह होता तो दिवाली गिफ्ट हमको भी दे देती। करिश्मा मैडम हैप्पी दिवाली, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हैप्पी दिवाली, और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है ठीक है ठीक है। करिश्मा मैडम क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं क्या, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप मैडम सर का इंतजार कर रही हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो पता ही है ना कि यहाँ आना है, या फिर अब टीम से भी उनके जज्बात उखड़ने लगे हैं। हम खुद जाकर बोले थे उनको, पर मुझे नहीं लगता कि मैडम सर आएंगी, क्योंकि आजकल वैसे भी उनका मूड ठीक कहाँ रहता है। मैडम सर आज, अरे हाँ मैडम सर, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मैडम सर, हैप्पी दिवाली करिश्मा सिंह। मैडम सर भगवान आपको हमेशा तरक्की दे, बहुत सारी तरक्की, आपको भी धन्यवाद। मैडम सर हमें तो लगा ही नहीं था कि आप आएंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आते पुष्पा जी, दिवाली तो सब अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं ना, हम आ गए। सही कहा मैडम सर आपने, सब लोग दिवाली अपनी फैमिली के साथ ही मनाते हैं। तो इसका मतलब मंजरी का पति भी अपने माँ बाप के पास गया होगा दिवाली मनाने, उसको वहीं पकड़ना होगा मैडम सर हमें। बिल्ले 5 मिनट में जितना दिवाली बना सकते हो बना लो, तुमको चलना है हमारे साथ। जय मैडम सर। ओके तो थोड़ी देर बाद एवरीबॉडी गेट बैक टू वर्क, दिवाली का दिन है, किसी के साथ कोई हादसा नहीं होना चाहिए, सो प्लीज बी रेडी। जी मैडम। सॉरी सॉरी, ये आ गया गंतव्य स्थान। यही डरता हमसे पहले ये चिंगारिया ने अजीत को पकड़ लिया। अभी कहाँ? नहीं 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 करिश्मा मैडम, ये बहुत डेंजरस लोग हैं। तुमको तो कुंग फू आता ना। रे के हुआ, डर गई के? इसे हमारे हवाले करो। हाँ तूने बोल दिया और हमने कर दिया। पिछली बार गर्दन से खरगोश की तरह पकड़ा था, भूल गई क्या? याद दिलाएं। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, एट योर ओन रिस्क, तो कोशिश कर ले। हम आओ। शिंदे, पुलिस वालों पे हाथ नहीं उठाते। रे तू भी ना ताई। अरे हाथ नहीं उठा सकते पर आंखों में धुआं तो झोंक सकते हैं। है
वेट कर रही है कि जल्दी कर, नहीं आएगी। अरे जल्दी कर, वो आ जाएगी। ये कैसे किया? ये चिंगर गेंद से जादू टोना भी जानती है क्या? क्या चिंगारी गैंग ले गए उसे? हम रंगरेज गली जा रहे हैं उसे लेने। नहीं, अब आप और कुछ नहीं करेंगे, इसे हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे, आप प्लीज वापस आइए। करिश्मा जी वही है? मैडम सर, फॉरेंसिक। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? अरे वाह, आपको कैसे पता कि रिपोर्ट आ गई है? अभी अभी तो आई है, पहले सोचा आपको मिलकर बता दूं, फिर सोचा फोन पर ही बता दूं, दिवाली की विश भी कर लूंगा, घर जाना था, दिवाली है, हैप्पी दिवाली। रिपोर्ट क्या है? पाइप एक्सपायर्ड था मैडम सर। क्या मतलब ये एक्सीडेंट था? अब रिपोर्ट तो यही बता रही है। ठीक है, शुक्रिया। इतनी मुरझाई हुई क्यों है? दिवाली है? है, लेकिन मेरे पति तो मुझे उड़ा के ही दिवाली मनाने वाले थे ना। मानती हूँ मैं कि तू दुखी है, लेकिन किसके लिए? खुद की खुशी के बारे में खुद ही सोचना चाहिए मंजरी। क्या तू उसके भरोसे इस दुनिया में आई थी? और जब आई थी, भूख लगती थी तो खुद ही रोती थी ना, ताकि तेरी माँ तेरे को दूध पिलाए। कोई और रोता था क्या तेरे लिए? नहीं ना, अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए। तो फिर क्यों किसी को पावर देने का कि वो तेरे को हंसाए, वो तेरे को रुलाए? अरे अपने ही हाथों में अपनी खुशी होती है, और जिस दिन हम ये दूसरों के हाथों में देते हैं ना, तो वो हमें अपना गुलाम बनाने लग जाते हैं, समझी? रोवा निकले है? ये ले, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये कहाँ लेकर आए आप सब लोग मुझे? ये रहे मंजरी के पति परमेश्वर। मंजरी तुम यहाँ क्या कर रही हो उन लोगों के साथ? ए, तो तेरा प्लान था इसको उड़ाने का? किसने कहा आपको? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जज्बात वाली भाई, हैप्पी दिवाली। शिवानी, हम जानते हैं कि अजीत तुम्हारे पास है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पाइप एक्सपायर हो जाने की वजह से ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था। अजीत को छोड़ दो। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर हम चाहते तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं भी दे सकते थे, और फिर एक निर्दोष इंसान के साथ मारपीट करने के इल्जाम में तुम्हें पकड़ लेते और सीधा अंदर जेल में डाल देते। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि तुम्हारे काम करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसूलन तुम गलत इंसान नहीं हो। तुम बेवजह कभी किसी बेकसूर इंसान पर हाथ नहीं उठाओगी, इसीलिए हम तुम्हें ये सब बता रहे हैं। सही काम करो और अजीत को भेज दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो तेरे पास लेकर आती हूँ मैं उसको। शिवानी अजीत को लेकर आ रही है। हैप्पी दिवाली मैडम सर। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ, आप फिर भी टेंशन में क्यों लग रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये सब एक्सीडेंट ही था तो फिर अजीत भागा क्यों? ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? मिन्नी, ये इनोसेंट है, कुछ नहीं किया इसने। मैं कह रहा था ना आपको, मैंने कुछ नहीं किया। चुप करो। शिवानी, तुम्हें सच कैसे पता?
वो अगर झूठ बोल रही हो तो? क्योंकि जज्बात वाली उसूल की पक्की है और उसूल वाले लोग उसूल वालों को धोखा नहीं देते। वो एक एक्सीडेंट था, पाइप एक्सपायर हो गया था। लो बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक्सपायर हो? अभी पिछले महीने तो खरीदा था और इन्होंने खुद लगाया था अपने हाथ से। तो ये कांड तूने किया है, ये तेरा ही प्लान था ना? जानबूझकर एक्सपायर्ड पाइप लगाया गया ताकि जब सिलेंडर फटे तो वो एक्सीडेंट लगे और तेरे ऊपर इल्जाम ना आए। इसीलिए जज्बात वाली बाई के रिपोर्ट में तू बेकसूर है। बताता है तोड़ो तुझे। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मुझसे गलती हो गई, अंजलि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रीना आती हूँ, जा। अंजलि, अंजलि, अंजलि मेरी बात सुनो। अंजलि कहाँ जा रही है तुम? मैडम सर, लेकिन आपको इतना भरोसा कैसे हो गया चिंगारी गैंग पे? वो काहे छोड़ेंगे उसे? हम अभी भी कह रहे हैं कि हम सब चलते हैं वहां पे। शिवानी, हमने कहा था कि वो इनोसेंट है, फिर क्यों मारा उसे? उसूलों का सिर्फ ढोंग करते हो तुम लोग। तू जैसे अपने जज्बातों का ढोंग नहीं करती, वैसे हम भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटते। लेकिन तू जज्बातों में बह जाती है और दोषी फरार। हम अपने उसूलों को बेड़ी नहीं बनाते, पहले अच्छे से चेक करते, तभी तो इन जैसों तक पहुंच पाते। ये इनोसेंट नहीं है, वो एक्सपायर्ड पाइप इसने खुद लगाया था। मैंने खुद देखा था, नई पाइप लगाने के बहाने इन्होंने गला हुआ पाइप लगा दिया था। जज्बातों वाली भाई, तेरे कानून पे ना जज्बातों की पट्टी बंधी है, लेकिन मेरा कानून सब कुछ देखता है। अगर ये इनोसेंट नहीं होता तो कोई भी कानून इसे छोड़ता नहीं, कोर्ट में इसे सजा मिलती ही मिलती। सजा तो तुरंत देनी ही पड़ती है, ये नहीं कि सालों तक किश्तें चुकाते रहो। अगर तेरे न्याय के लिए ये वेट करती ना, तो इसका पति इसको किसी और तरीके से मार देता, तब क्या करती? हमारा इंसाफ हो गया। अच्छा, कम से कम ये तो नहीं कह सकती कि हमने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। अब हमारा इंसाफ होगा। करिश्मा सिंह जी, इसका बयान लीजिए कि चिंगारी गैंग ने इसे मारने की कोशिश की। नहीं नहीं मैडम, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो मैं बाइक से जा रहा था तो गिर गया, तो चोट लग गई। अमाओ खजूर के पेड़ का झुका हुआ डाल, झूठ काहे बोल रहे हो और इनका साइड काहे ले रहे हो तुम? लेनी तो चाहिए ना मैडम, इन्होंने मुझे गलती का एहसास दिलाया, सही रास्ता दिखाया मुझे। मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो, मुझे माफ कर दो। पहले मुझे लगता था कि
मेरी खुशी आपके साथ रहने में। लेकिन खुशियाँ अपने हाथों में होती हैं, उन्हें जब हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं ना, तो वो हमें गुलाम बना कर रखते हैं। मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से। थैंक यू ताई, आप सबकी वजह से ही मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। जज्बातों वाली भाई, हैप्पी दिवाली। टॉकर वाला कहानी सुना तो मंजरी इनके पास चली गई, ये वाला कहानी अगर सब सुनेंगे तो पूरा शहर इनकी सुनेगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है मैडम सर। हाँ 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 अम्मी, हम सुन रहे हैं, आप बताइए क्या सपना आया आपको। अम्मी आप भी ना, सुबह से हम ही मिले क्या आपको? मतलब सपना भी देखा तो क्या देखा कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बच्ची ने हमारे नाक में दम कर रखा है और बच्ची का चेहरा करिश्मा सिंह से मिलता है। वाह, मतलब कमाल है आप। हाँ अरे बेटा, सपनों का क्या है, दिल में जो कसक रह जाए दिमाग कमबख्त उसका सपना बना देता है। ये तो वैज्ञानिक बात है, चाहत पूरी हो जाए तो इंसान भटकना बंद कर देता है, फिर वो चाहे जिंदगी हो या सपने। बात तो सही कह रही हैं। बहरहाल प्लीज, हम अब बस थाने पहुँचने वाले हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। कसक, टीस, दर्द पूरा हो जाए तो इंसान पूरा हो जाता है। नमक भी सही था। पहले खा लीजिए फिर बात करेंगे। कहाँ क्या खा रहे हम? बाप रे बाप, कितना झूठ बोलिएगा पुष्पा जी, एकदम खुला नजर से दिख रहा था, सामने दिख रहा था आप खा रही थी। भाई जाओ ना, तुम दोनों को अपना अपना काम नहीं है क्या? जाओ करो अपना काम। आप भी अपना काम कीजिए, जाइए। एक मिनट, आपने अपना भोकाल छोड़ा, हमने कुछ नहीं कहा, आपने उठपटांग सी चीजें करना शुरू किया, जैसे योगा, कुछ अटपटी सी खाने वाली चीजें बनाने की, हमने कुछ नहीं बोला, मगर आज हम चुप नहीं रहेंगे, आज हम बोलेंगे। वैसे भी आप कब चुप बैठती है, हमेशा तो बोलती ही रहती है। बोलेंगे ना, क्यों ना बोले हम? आप बताइए, हमारे घर में तो कोई मांसाहार करने वाला है नहीं, तो फिर आप क्यों सीख रही है मांसाहार बनाना? अरे हम तो खाते हैं ना पुष्पा जी, हम जो टिफिन लाए थे उसमें जो मटन था उसका स्वाद हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हम देख रहे थे कि हमसे कहाँ गलती हो गया। क्या? का? मटन लाई थी? मटन था हाँ, लेकिन आपके लिए नहीं था, हमारे लिए था। तभी हम सोचे, खाते समय कोई अंदर से माँ माँ कैसे पुकार रहा है। एक सेकंड, मटन मामा नहीं करता है, वो मैं ये करता है। आपने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। अब जब लल्ला के पापा रात को हमारे सपने में आएंगे, पूछेंगे कि पू तुमने आज क्या खाया,
आपको हम क्या जवाब देंगे कि मैं खाया? तो हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया था, आपने खुद नहीं खाया, काहे मुंह मारती है दूसरों के टिफिन में? मत मारा कीजिए ना मुंह। गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें से गलती हो गई है। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद जय हिंद। एक काम करिए, सब लोग अर्जेंटली हमारे केबिन में आइए। जी अभी।